अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वो व्लॉग आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था कि माय फर्स्ट डे इन कॉलेज। तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज वही व्लॉग जो है अब वो बना रही हूँ। कल मैंने कॉलेज जाना है, मेरा फर्स्ट डे है। जो जो मेरी तरह बाहर पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबके ख्वाब को जो है वो पूरा करें, आमीन। ठीक है ना। और बाकी अब मैं अपना जो पूरा व्लॉग है वो रिकॉर्ड करूंगी, तैयारी का सब कुछ। तो अभी खैर मैंने तैयारी सिर्फ ये की है कि मैंने एक बैग जो शायद मैंने नहीं लेके जाना वो लटकाया। इसके अलावा कपड़े जो है मेरे थोड़े से आयरन हुए हैं, थोड़े से आयरनिंग रह गई है, कपड़े मैंने सेट कर दिए। पहले मैं सबसे पहले बनाने जग गई हूँ खाना। हालांकि बाजी ने जो है वो खाना बना के रखा हुआ है, कोफ्ते बनाए थे उन्होंने, तो उन्होंने बना के रखा हुआ है तो वो मैंने खा लिया था। लेकिन मेरे था कि मतलब मैं ना कल के लिए बना के रख दूं, क्योंकि अब ना मेरी रेगुलर क्लासेस है, तो इस वजह से मैं हूँ पास्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने कनाडा में फर्स्ट टाइम जो है आज प्रॉपर कुकिंग करनी है, तो वो भी एक मेरी मेमोरी के तौर पर मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और बाकी रूम भी मैंने काफी हद तक जो है वो सेट कर दिया है। थोड़ा स्टडी टेबल आ जाए, ऑर्गेनाइजर्स आ जाए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो अच्छा सा डिटेल्ड रूम टूर भी शेयर करूंगी। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका भी व्लॉग चल रहा है। अभी तो थोड़ा सी, अभी मुझे थोड़ी मोहलत दे दें और चाय बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने बजट अपना प्लान करना था, और बाकी अभी मेरे खर्चे बहुत होने हैं क्योंकि मैंने बुक्स लेनी है, लैपटॉप लेना है, लैब कोट लेना है, उसके आईवेयर लेना है। मेरे से बर्तन फिगर नहीं हो रहे, अब मैं इसके अंदर जो है वो पास्ता उबाल के बनाने लगी हूँ। मेरे से बर्तन फिगर नहीं हो रहे, मैंने पास्ता क्या बनाना है। आज मैंने ठान ली है तो मैंने कुछ ना कुछ बना के छोड़ना है। अगर नहीं बनेगा तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाना, बन गया तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मुझे सर ने वैसे बताया था कि मतलब पास्ता सॉस वगैरह डालना होता है और उसको थोड़ा सा बॉयल करके मतलब की चीज़। तो अल्लाह ताला खैर करें, विश मी बेस्ट ऑफ लक। वो चिकन जो है वो भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, मुझे लग रहा है कि पानी मैंने बहुत ही ज़्यादा डाल दी है, तो इसको मैं थोड़ा कम कर लूँ। चिकन भी मैंने बॉईल कर लिया, अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और फिर थोड़ा ठंडा करके ना, तो फिर इसको स्मॉल पीसेज जो कर। पास्ता सॉस जो है उसको मैं जल्दी जल्दी गर्म कर रही हूँ, ठीक है ना। ये सेंटर में मैं लेकर आऊँ, प्लीज़ डोंट जज माई कुकिंग स्किल्स। ओके, अच्छा खाई जैसे बने, मुझे लगता है कि बहुत मज़े के हैं क्योंकि मैंने अभी टेस्ट कर लिए हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ, चाय अपनी गर्म करती हूँ और थोड़े से खाती हूँ और फिर बाकी जो है कल के लिए पैक शैक करके रख लेती हूँ। अच्छे बने हैं, मतलब जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किए थे ना उससे तो अच्छे बने हैं। अब मैं लगी हूँ सोने, मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, 1:30 बज गया रात का, क्योंकि मैं व्लॉग जो है वो अपलोड करके सो रही थी। और मैं ना एक बात सोच रही थी, बिल्कुल बेडशीट ना ऐसे बिल्कुल एक प्योर पाकिस्तानी बेडशीट है ना गाइज, मतलब बस प्योर पाकिस्तानी बेडशीट है, सही प्रिंट फूलों वाला। जब मैं रुशे से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी ना, तो मैंने कहा ऐसा लग रहा है मैं ना गाँव में बैठी हुई हूँ, पीछे बिल्कुल ऐसे फूलों का नीचे से वो आ रहा है। खैर अब मैं सोने लगी हूँ और पता नहीं है, बस अल्लाह करे मुझे नींद आ जाए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो सुबह हो गई और मैं अब नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, और इस वक्त तो मुझे सिर्फ नींद आ रही है। और मैं ये सोच रही थी कि मलाइका ओरिएंटेशन डे है तुम्हारा, तो मैं उस पर भी नींद आ रही है। ये वीडियो का क्लिप मामा ने देख लिया ना, उन्होंने मेरी इज्जत करने के लिए ना पाकिस्तान से पैदल चल पड़ना है। तो अब मैंने पहले सोचा कि मैं कॉर्नफ्लेक्स खा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे भूख लग जानी है, मुझे अपना पता है, तो मैंने इसलिए ब्रेड खाऊंगी, साथ में ना एग जो है वो बना लेती हूँ, चाय रखती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर हम जाते हैं बाहर, ठीक है ना। फिर हमने बस पकड़ के जाना है, अब वो गाड़ियों वाले मज़े कोई नहीं है, बस पकड़ के जाना है, तो फिर जल्दी चलते हैं। नाश्ता मैं वही ब्रेड अंडा ही बना रही हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया, तो हम जल्दी जल्दी वो बना लेते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी अपना नाश्ता जो है वो करने लगी हूँ और फिर मैं फ़ौरन तैयार होती हूँ। बाहर ना मैंने मौसम वेदर फोरकास्ट चेक किया तो ना 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर मैंने ना कहा कि इससे बेहतर है कि वहाँ पर ठंडे से बेहतर है मैंने एक हुडी गर्म सी पहन लेती हूँ। और गाइज मैंने कभी इतना ब्लैक पूरी जिंदगी नहीं पहना था जितना मैंने पाकिस्तान इधर आके पहन रही हूँ। मैंने पाकिस्तान में कॉलेज लाइफ में बहुत कम दोस्त बनाए थे, मेरे सारे दोस्त मेरे स्कूल वाले टाइम के ही हैं, तो अल्लाह करे कि यहाँ पर कोई बन जाए। अच्छा जी, तो मैं निकल पड़ी हूँ जल्दी जल्दी बस कॉलेज जाने के लिए, और जिस तरह भी मेरे से तैयार हुआ गया मैं बस वैसे ही हुई हूँ, सिंपल सा ही, ताकि मैं ना लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लेट हो जाना। बस की टिकट जो है ना वो मैंने हाथ में ही रखे हुए हैं, और अभी चलती हूँ बस में बैठ के, जो काम वगैरह मैं वो कर लूँगी और चलें।
बस स्टॉप में मैं आके बैठ गई और अब बस का जो है वो मैं इंतजार कर रही हूँ, तो चलते हैं फिर। कोई और बंदा नहीं बैठा, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं कहीं गलत तो नहीं बैठी रही। बस अल्लाह ताला ही खैर करें, आज मैं ओरिएंटेशन पे पहुंच जाऊं किसी का। एक बस आ तो रही है वैसे, चलो यही होगी। यार पहली बस मेरी मिस हो गई और मैं दूसरी बस का बैठ के इंतजार कर रही। वो आई भी थी और मुझे समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, थिंक पॉजिटिव। अल्लाह पाक मुझे सिर्फ कॉलेज जाना है, मुझे कॉलेज पहुंचा दे प्लीज। एंट्रेंस वाले दरवाजे से एग्जिट कर रही थी। ओह माय गॉड, अब दो लोग आ गए और वो भी मेन कैंपस ही जा रहे हैं, तो मैं उनके पीछे पीछे ही, मतलब मैंने मैप तो साथ लगाया हुआ, लेकिन अब तसल्ली हो गई क्योंकि सुबह जिस तरह मैं बस से छोड़ चुकी हूँ। कोई नहीं, हर चीज़ में फर्स्ट टाइम होता है, टाइम लगेगा मुझे सीखने में। और अभी मैं एंट्रेंस से एग्जिट ले रही थी और वो मुझे देख रहा था कि इसको इतनी बेचारी को नहीं पता कि ये एंट्रेंस लिखा हुआ है। क्या मैं कंफ्यूज थी ना इस वजह से। मैं इससे पहुंच ही गई हूँ मैं कॉलेज, मुझे नहीं पता जो भी मुझे नज़र आएगा बस मैं उतरी चल। गाइज मुझे ये मिल गया और अब मैं जा रही हूँ 8018, पता नहीं ए बिल्डिंग है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में आ गई, वरना मुझे तो लग रहा था आज ये कायम कोई नहीं होना। मेरी हेल्प हो गई और अब पता नहीं क्या है बनता है, ओरिएंटेशन है मेरे ख्याल से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा। एंड मैं इमोशनल हो गई थी जब मैंने कॉलेज को देखा, क्योंकि ज़ाहिर इतनी स्ट्रगल मेरे मामा पापा की मेरी, तो जब मैंने कॉलेज को देखा गाइज लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। फिर मैंने मामा को भेजा, उनका मामा फाइनली चले आगे, अल्लाह ताला खैर ही करें। ये आज कल की हंसियाँ ही हैं, फिर आगे पढ़ाई शुरू हो जानी है ना, सारी मेरी ये हंसियाँ फूसियाँ ख़त्म हो जानी हैं। ओ भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मैं कहाँ से ऊपर जा रही हूँ, बस मुझे कहीं बैठना है, बस मैं कहीं बैठ जाऊँ सबसे पूछ पूछ के। बस वीडियोस नहीं देखा करती थी, आज असल में फिर यू गाइज वी आर हेयर। We have a co-op education consultant, Stephanie Hernandez. ये मैंने सारा एरिया ना वीडियोस में देखा था हाउस टूर्स में, सॉरी कैंपस में, और मैं इतनी एक्साइटेड थी यहाँ पर आने के लिए। Then there's two labs, so one on the left, one on the right. ऐसे मैं लेने आई हूँ टेक्स्ट बुक, या बस आई शुड से सिंपल बुक। अच्छा वैसे मैंने वो देखी है, वो $12 की है, मेरे ख्याल से मुझे ना ये वाला ले लेना चाहिए, ये बेहतर है, सिंपल सी है। मैंने कौन सा इसमें उतना कुछ करना मैं करने यही ले लेती हूँ। गाइस मेरे ख्याल से मीडियम सही है मुझे, तो मैंने मीडियम ही लेने लगी हूँ। फिर अब मैंने यहाँ से जो सामान लेना था, तो लैब कोट वगैरह और नोटबुक ली है और ये चीज़ें ले ली, और अब मैं जा रही हूँ। मैं अपनी पानी की बोतल पता निकाल रख के आ गई हूँ। जब तक मुझे बस के रूट समझ नहीं आएंगे, तब तक गाइस मैंने ऐसे ही चलते ही रहना है, बस चल चल के ही। धूप है और मुझे वो तो पता ही नहीं है कि मैंने ग्लासेस लाने हैं। फाइनली अब मैं बस पे आ गई हूँ, शुक्र ये एक ही बस है जो डायरेक्ट घर जाती है, इस वजह से ना मुझे थोड़ा चल के आना पड़ा, वरना फिर वही दो बसें उतराओ चढ़ो। अभी जब तक मुझे प्रैक्टिस ही ना होगी, तब तक मैं ऐसे ही करूँगी। गाइस मैं पूरी बस में अकेले बैठी हूँ, देखिए मुझे कॉलेज से बस पिक करने के लिए आई, लेकिन शुक्र है मैं घर आ गई थी। और मैंने जो है कॉलेज से लिया था ये लैब कोट, ठीक है ना, मीडियम साइज में लिया, स्मॉल भी मुझे पूरा था लेकिन मैंने कहा मीडियम ले लेती हूँ। और मैंने ये नोटबुक लिया क्योंकि ना यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा है कि आपको नोट्स लेने पड़ते हैं, तो ये मुझे $3 की मिली है, ठीक है ना। और इसमें ना सारे मतलब ये पेजेस वगैरह हैं, तो
देखो अभी मैंने एक इसीलिए लिया ताकि ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा ना कि मतलब किस सब्जेक्ट की कितनी चाहिए, क्योंकि पता है पाकिस्तान में तो हर सब्जेक्ट का लैदा होता था, तो मैंने कहा अभी मैं इसका ना इतनी जल्दी नहीं करती। और साथ में ये ग्लासेस लिए हैं क्योंकि हमने लैब पे काम करना है ना, तो फिर लैब में ये आपको सेफ्टी वो जो है ये ग्लासेस लगा के जानी है। खाना जो है मैंने कल पास्ता बनाया था और वो मैंने इसीलिए ही बना दिया था ताकि मुझे कॉलेज से आके जो है ना वो ना बनाना पड़े, तो अभी मैं खाना खा लूँ तो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट करना है और एक इंस्टाग्राम की जो रील है ना वो भी रिकॉर्ड करनी है। अच्छा जी, अब मैं फिर निकल रही हूँ बाहर क्योंकि मुझे लेना है लैपटॉप और उसकी जो प्राइसेस वगैरह ना वो देखनी है। मैंने रेस्ट काफ़ी अच्छी तरह कर लिया था और मैं बहुत फ्रेश हूँ, बहुत ज़्यादा। लैपटॉप्स मैंने देखे हैं तो वो अभी थोड़ी सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर मैं कल कॉलेज वगैरह जाती हूँ तो फिर बच्चों से पूछ। ये चीज़ें लेने आई थी मुझे, उसमें से माशाल्लाह एक भी चीज़ नहीं मिली है। सारा 50% ऑफ लग रहा था, तभी सकते हम आ जाते हैं H&M पे और कुछ देखते हैं अगर मुझे शर्ट वगैरह मिल जाती है तो। इतने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं यार इन सब ब्रांड्स पे, लाइक वाह कितने प्यारे हैं ये सारे। हाँ ये कितने मज़े के हैं। अब मैं जा रही हूँ घर वापस, कुछ लिए बगैर सिर्फ एक ही छोटा सा परफ्यूम लिया और बस गई हूँ। मैं आ गई हूँ सारे काम अपने करके और मुझे कुछ भी नहीं मिला, सीधी जो बात है ना, मुझे फेस वॉश मिला ना मुझे अम्ब्रेला मिली, सिर्फ एक परफ्यूम मिला छोटा सा, वो भी मैं लेके आ गई फ्राइज खा के। चले कोई नहीं, अभी मुझे एटलीस्ट रास्ता याद हो गया, बेसिकली मुझे बस स्टॉप्स का पता चल गया कि कौन सी बस मॉल जाएगी, कौन सी बस कॉलेज जाएगी, और सब कुछ बहुत साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अकोमोडेशन इतनी अच्छी है कि सब कुछ बिल्कुल साथ साथ है, जैसे 15 मिनट में मैं सुबह कॉलेज पहुँच गई, 15 मिनट में मैं मॉल पहुँच गई ना, तो ये परफेक्ट मेरा जो सीन है ना वो सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी आज का जो दिन था मतलब ओरिएंटेशन डे था, तो कोई खास पढ़ाई नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने हमें टिप्स दिए कि आपने प्रोग्राम में कैसे प्रोग्रेशन करनी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, ये फंक्शन आ रहा है उसको अटेंड करें, ये आपके प्रोग्राम का कोर्स मटेरियल वगैरह है सब कुछ। और कल जो है ना वो मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी, कल होगा मेरा लैब डे, उसका मैं अलहदा से व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा व्लॉग जो है वो बन गया, तो हम लैब डे का व्लॉग बनाऊंगी मैं, उसमें भी पढ़ाई भी होगी, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि पता नहीं लैब वर्क में मुझे मज़ा आता है, तो उसमें मैं जाऊंगी अब। और मुझसे पूछ रहे थे कि आपने क्या करना है, तो जी मेरी ऑनर बैचलर्स ऑफ अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी की जो है वो डिग्री है, ठीक है, इट्स अ कोऑप प्रोग्राम, ये एक बहुत ज़्यादा एडवांसिंग फील्ड है कनाडा में भी, US में भी, आपको पता है रिसर्च का काम होता है सारा, तो रिसर्च जो है वो बहुत आगे जा रहा है, तो मेडिकल में मेरे पास और भी ऑप्शन थी, फार्माकोलॉजी की थी और भी ऑप्शन थी, मुझे बायोटेक अपने लिए बेस्ट लगा था, तो अभी मेरी ये डिग्री है, ठीक है ना। और बाकी जो जो से सवाल हैं वो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर ड्रॉप कर दें, क्यों मैंने वीडियो एक जल्द और डिटेल्स आएगी, ठीक है ना, तो फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कल। अभी मैंने व्लॉग एडिट करना है, सुबह जल्दी जाना है क्योंकि कल मेरी क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा दिन की भी, ज़्यादा टाइम की भी हैं और जल्दी भी हैं, ठीक है ना, तो मिलूंगी मैं आप लोगों से फिर कल। अपना सब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरी भी दुआओं में आप सब लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो मुझे देख रही हैं, मदर्स हैं, जो भी मुझे देख रही हैं ना, आप सब मेरी दुआओं में हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।